हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बताएंगे मटर पनीर बनाने का तरीका। तो मटर पनीर को कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तेल के अंदर थोड़ा प्याज लहसुन डाल करके उसको अच्छे से मैट कर लें। उसके बाद में ग्रेवी डाल दें, दो चमचे में डाल चुका हूँ, अब मैं तीसरा चमचा डालूंगा। और ये लोग ने तीसरा चमचा भी डाल दिया है, जितने जैसे कि हम आदमी हैं पाँच, तो पाँच आदमियों के हिसाब से हम तीन चमचे डाल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो उसको हमने अच्छे से मैट कर लिया है, फिर हमने एक चमचा और डाल दिया है ग्रेवी। ठीक है, अब उसको हम अच्छे से मैट कर लेंगे। इसको हल्की आँच पर मैट करते करते धीरे 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 इसमें कलर इसमें थोड़ा ऑयल बनाएगा। इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल देंगे अब। तो चलिए थोड़ा सा इसमें मक्खन डाल देते हैं। और देखिए हमारी ग्रेवी पूरी तरीके से पक चुकी है, उसमें हमने मक्खन डाल दिया है। अमूल का बहुत ही अच्छा बटर है, उस मक्खन को हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मैट करेंगे और इसमें हमने बहुत ही अमेजिंग टेस्ट मिलेगा। तो जैसे कि आप तो देख ही रहे हो कि इसमें जो बहुत ही खदक रही है, तो इसमें थोड़ा सा इसमें और डाल दिया ग्रेवी, ये और भरा दी है इसमें ग्रेवी। ठीक है, अब इसको अच्छे से मैट करेंगे। जैसे कि इसमें ऑयल बनाए और ऑयल बनाने के बाद इसमें थोड़ा सा हमने कलर डाल दिया, जिससे कि कलर में लगे कि हाँ ये मटर पनीर है। तो भाई अब इस मटर पनीर में हमने कलर डाल के इसको अच्छे से मैट कर लिया है। ये हमने मैट कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। इसमें मैट करने के बाद में हमने इसमें थोड़ा पनीर डाल दिया है, वो पनीर अच्छे से इसमें हो जाएगा। हमने 10 से 12 पीस इसमें पनीर के डाले हैं, उसको अच्छे से मैट करके। और अब हम डालेंगे थोड़ा धनिया पाउडर, उसके बाद में लाल मिर्च, फिर थोड़ी मटर। अब हमने मटर डाल रहे हैं, ये हमने मटर डाल दी है और उसको अच्छे से मैट कर लिया। इसको मिला रहे हैं जैसे कि मटर पक जाए। वो पहली बात तो मटर पकेगी ग्रेवी में अच्छे से, ये पक गई है। और इसमें हम डालेंगे शाही पनीर मसाला, ये देखो इसमें थोड़ा सा शाही पनीर मसाला लगा दो, जिससे कि आपका तो टेस्ट आ जाए और बहुत ही अच्छी बनी। खाने वाला बंदा उंगली चाटता रहेगा भाई। इसमें हमने पनीर डाल दिया है, पनीर डालने से पनीर और ग्रेवी को पकने से 5 से 7 मिनट पहले ही पनीर डालें, उससे पहले ना डालें। उसके ऊपर हमने क्रीम से इसको डिजाइन दिया है, जो कि देसी ढाबा स्टाइल में देते हैं इसको। इसमें डिजाइन आ गया। अभी हमारी थाली में आने वाली है, ये देखो हमारी थाली में भी आ चुकी है। इसको मैंने फिर अपने हाथों से सजाया था। और एक में दाल है, एक गिलास दूध है, और एक मटर पनीर है, और एक शाही पनीर है, थोड़े चावल हैं दो जगह, और 4 रोटी है। तो इस थाली को हम 150 से 200 रुपये के समथिंग में बेचते हैं और काफ़ी अमेजिंग लगता है खाने में। तो मैंने मैनेजर से कहकर स्पेशल अपने लिए बनवाया है। ये मथुरा वृंदावन में होटल पड़ता है, उसी होटल पर मैंने खाना खाया था। तो ऐसा भोजन मिलता है उस जगह पर, मैंने खुद अंदर जाकर वीडियो बनाई है। धन्यवाद। सब्सक्राइब।